स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप इसे समझ लेंगे एक बार तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बस ध्यान से वीडियो को देखते जाइए और आप इसमें आराम से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन जनरली जो होता क्या है कि ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ये जो आपको डेफिनेशंस मिल रही है दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि मतलब दोनों का अंतर लेकर चल रही हूँ। अंतर मतलब कि इन दोनों को साथ में कंपेयर करके लेकर चल रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके अगर पढ़ते हैं ना, तो आपको और अच्छे से याद रहती है, क्योंकि उससे आप भूलेंगे भी नहीं और साथ ही आपको याद भी रहेगा कि अच्छा ऑक्सीकरण ये है तो अपचयन इसका अपोजिट होता है। तो आप इस तरह से भी करके उसको समझ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन के बहुत सारे मतलब कि आजकल मतलब आधुनिक में बहुत सारे रूल्स थे, तो उन्हीं सबको एक साथ मैंने कंबाइन करके यहाँ पर आपको नोट्स बनाकर मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण में सबसे पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन का जो योग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन है, जिसे हम अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का परित्याग यानी ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ऑक्सीकरण में कि हाइड्रोजन का त्याग करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसके अपोजिट जो है अपचयन क्या होता है, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के लगभग क्या है, अपोजिट ही होते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे एक और पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी अगर मान लीजिए टेबल में आप देख रहे हैं या किसी भी आप रिएक्शन में देख रहे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में से बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करना वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी कहलाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाता है। ये पॉइंट्स क्या हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी, अभी हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है और ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसे जाती है। पहले आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए एक बार और। जैसे कि आपने देखा कि ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का त्याग भी ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी ऑक्सीकरण ही होता है। साथ ही आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का जो निकलना या परित्याग करना क्या है, अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी अपचयन है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी अपचयन है। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारा, ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। अभी आपने पढ़ा है जो वही पॉइंट है, लेकिन इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या है कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ सोडियम का देख सकते हैं, सोडियम में से ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये Na+ हो गया और ये Na+ शो करता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रोसेस हुआ है। फिर इसका ही नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना में कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया उस पदार्थ का अपचयन कहलाती है। अपचयन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। दोस्तों यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक Cl- हो गया। जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं Na+ था, लेकिन यहाँ Cl- हो गया, यानी कि यहाँ पर अपचयन हुआ है क्लोरीन में। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना है। फिर है कि किसी भी एलिमेंट से कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं, तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को।
तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बहुत सारे नियम हैं, कई सारे नियम। आज हम इस वीडियो में सारे नियम को पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि किसी तत्व के मूल अवस्था में, यानी कि वो जिस पोजीशन में प्रेजेंट है, जिस समय वो है, अथवा सम परमाणुक अणु में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे ये सोडियम जो है, जैसे कुछ भी नहीं यहाँ, तो ना Na प्लस है या Na माइनस, कुछ भी नहीं है, सिंपली सोडियम लिखा है। डैट मीन्स कि ये इसकी कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था है। तो इस समय जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो ज़ीरो होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ना तो कुछ प्लस है ना माइनस है, सिंपली दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बना है, तो ये क्या है हमारा, इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो ज़ीरो होगी। उसी टाइप से यहाँ पर क्लोरीन में भी होगी, फॉस्फोरस में भी और सल्फर में भी इसी टाइप से होगी कि इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या ज़ीरो होगी, क्योंकि ये सभी अपनी मूल अवस्था में हैं। इसमें ना तो कहीं से आयन बन नहीं रहा है, ना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई भी संकल्पना नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो है इनका ऑक्सीकरण नंबर। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि प्रथम समूह के तत्वों हाइड्रोजन को छोड़कर, अभी आपने पढ़ा होगा इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन बहुत ही मतलब कि उसमें अपवाद है, हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, इसलिए हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी हमारा बचता है कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम और सीजियम अथवा तथा फ्रेंशियम की ऑक्सीकरण संख्याएं सदैव प्लस वन होती है। दोस्तों क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि इन सबके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस वजह से इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो हमेशा प्लस वन होगी। तो अब हम क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि जो सेकेंड एलिमेंट्स है, यानी कि सेकेंड जो हमारा समूह है उसमें दो प्लस टू होना चाहिए। तो एकदम सही आप सोच रहे हैं कि जो हमारे द्वितीय समूह के तत्व होते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम और यहाँ पे बेरियम और यहाँ पे आरए जो होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्याएँ होती है हमेशा प्लस टू होती है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन की प्रथम समूह के तत्वों तथा द्वितीय समूह के तत्वों के साथ बने यौगिकों में माइनस वन अथवा सदैव ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन होती है। यानी हाइड्रोजन जैसे क्या है कि वैसे हाइड्रोजन की अगर संख्या जो है वो प्रथम समूह के तत्वों और द्वितीय समूह के तत्वों के साथ अगर यौगिकों के साथ अगर होता है तो माइनस वन होगी, अदरवाइज उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा माइनस वन होती है। दोस्तों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जनरली आप कहेंगे तो हमेशा माइनस टू होती है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या है, अपवाद है। ऑक्सीजन का एक्सेप्शन क्या है, हम उसे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन में, तो जो OF2 होता है, OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या प्लस टू है, वैसे हमेशा माइनस टू होती है, पर यहाँ पे तीन एक्सेप्शंस मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्सीजन की है वो चेंज हो जाती है। OF2 में जो है वो प्लस टू हो जाती है। परॉक्साइड, परॉक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें H2O2, N2, Na2O2, BaO2, यानी कि जो ऑक्सीजन होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट होते हैं। परॉक्साइड्स की जो हमारे परॉक्साइड होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, उनमें जो ऑक्सीजन होता है ना वो सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट रहता है। दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स पे कनेक्ट हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ पे परॉक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन परॉक्साइड, सोडियम परॉक्साइड, बेरिलियम परॉक्साइड। तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी हमारे क्या हैं, परॉक्साइड्स हैं, और इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन होगी। फिर इसके अलावा सुपर ऑक्साइड होता है, इसमें जो ओ की ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों वो -1/2 होती है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसे आपको एक बार मतलब कि एक दो बार आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। फिर जैसा सुपर ऑक्साइड का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यहाँ पर KO2 हो गया। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग आयन के आवेश के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CO3 2- कि C की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस O की ऑक्सीकरण संख्या और इनटू मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, इज इक्वल टू -2। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या टोटल -2 होगी, क्योंकि यहाँ पर कितना आयन है, -2 है। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NH4
प्लस NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और इसमें इनटू वन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है सिर्फ एक है, फिर H की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और इनटू फोर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है वो चार है, लेकिन इसके इक्वल में लिखेंगे प्लस वन। प्लस वन का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो इसके बराबर हो रही है, जो इसके आयन से उनके बराबर हो रही है। सिंपली वहीं पे सोडियम का भी आप देख सकते हैं कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू प्लस वन होगी क्योंकि जितने आयन्स होंगे उतनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अच्छा, तो चलिए अब हम यहाँ पर मेन चीज़ पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है किसी भी एलिमेंट का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं के योग का मान हमेशा शून्य होता है। अगर वो आयन नहीं है तो वहाँ पर जो उसका जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा वो ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं KMnO4 में अगर हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों, तो हम पहले K की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर Mn की लिखेंगे, फिर यहाँ पर O की लिखेंगे और फिर अगर जितने जितने एलिमेंट्स हैं तो उतना उतना उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, लेकिन इन सब का एडिशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल? ज़ीरो के इक्वल होगा, तभी हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमको मान लीजिए पूछ लिया कि आप यहाँ पर क्या करिए, आप इसमें मान लीजिए आपको मैग्नीज़ का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा SH2SO4 भी लिया गया, ऐसे ही दिखाया गया कि H2SO4 में H की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी ली गई है दोस्तों, यहाँ पर 2 ली गई, मतलब H की ऑक्सीकरण संख्या, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की इक्वल टू 2। तो एक बार समझ लेते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे हमें मान लीजिए Mn का निकालना है, जिसके नीचे डैश है हमें उसी का निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर माना हमने ऑक्सीकरण संख्या जो मैग्नीज की है वो X है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले K का करेंगे, तो K का आपको पता है प्लस वन होता है क्योंकि हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। मैग्नीज़ का हमको नहीं पता, हमने यहाँ पर उसको एक्स मान लिया। ऑक्सीजन का अभी पता है जनरली माइनस टू ही होता है क्योंकि ये परऑक्साइड नहीं है। फिर यहाँ पर आप माइनस टू करेंगे, इज इक्वल टू में टू करेंगे, देन यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो प्लस सेवन आएगी और यही जो है मैग्नीज़ की ऑक्सीकरण संख्या होगी। बहुत ही ईजी है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, आपको ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ भी लिया जाता है, एकेडमिक में भी पूछा जाता है और साथ ही जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है साथ ही जैसे UPTET या CTET में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 6 to 8 वाले में। तो यहाँ पर कुछ आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिखाया है जैसे H2SO4, NH3, HNO3। तो चलिए इन सब का एक एक करके हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले H2SO4 का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सल्फर का निकालना है, तो यहाँ भी हम सल्फर का X मान के करते हैं। X मान लिया हमने सल्फर का, मल्टीप्लाई में 1 आप लिखिए या ना लिखिए, 1 तो मल्टीप्लाई होता ही सब में। तो यहाँ पर क्या है कि प्लस 2, ठीक है, 2 × 1 1 क्यों, हाइड्रोजन का हम 1 ही मानते हैं, जनरली 1 ही होता है प्लस 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 0, देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा प्लस 6। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं अमोनिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपको नाइट्रोजन का निकालना है, तो वैसे ही एक्स मान के फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 क्योंकि हाइड्रोजन 3 है और इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको पता है हाइड्रोजन की प्लस 1 होती है, इज इक्वल टू में 0 कर देंगे और माइनस 3 से निकाल देंगे। ऐसे ही आप HNO3 में निकालेंगे एक्स लेट करके और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 0 करके इक्वल में प्लस करके और फिर यहाँ पर आप निकालेंगे तो प्लस 5 आ रही है। और H3PO4 में भी आप निकालेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, P की ऑक्सीकरण संख्या फॉस्फोरस की प्लस 5 आ रही है। फिर ऐसे यहाँ पर आप निकालेंगे दोस्तों किसमें, K2Cr2O7 में, तो यहाँ पर आप जब अगर मान लीजिए आपको क्रोमियम की निकाल दी है, तो क्रोमियम की भी ऐसे आप लेट करिए एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी 2 करेंगे क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में 2 होगा और साथ में 1 होगा, 1 इसलिए क्योंकि इसकी के की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 1 ही होती है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन की जनरली माइनस 2 होती है और फिर इक्वल टू में 0 करके फिर आप निकालेंगे तो प्लस 6 आ रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं N3H, इसमें भी निकालेंगे तो -1/3 आ रहा है। ClO3- इसमें निकालेंगे तो प्लस 5 आ रहा है Cl की। MnO4 2-। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आयन्स होते हैं,
अभी मैंने आपको बताया कि जो आयंस होते हैं उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या का टोटल जो होता है ना वो आयंस के ही इक्वल होता है। माइनस है तो माइनस वन रहेगा, माइनस टू है तो माइनस टू ही रहेगा, प्लस होगा तो इधर प्लस वन, मैंने अभी आपको बताया। और जनरली होना कितना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट यह आयंस है ना तो आयंस होने की वजह से यहाँ पर माइनस वन हम लेके चल रहे हैं, अदरवाइज हम जीरो लेके चलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल CLO3 होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, Cl लिखते हैं, फिर हम मान लीजिए क्लोरीन का निकालना है, फिर ऐसे करके सिंपली हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 का 2 से और फिर यहाँ 0 मान के लेट करके निकाल लेते हैं। बट यहाँ माइनस क्यों लिया है हमने दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज लिखा है। अभी आपने आपसे मैंने बताया कि अभी आयंस के ऊपर जितने भी आयंस रहेंगे वही इसके इक्वल होगा ऑक्सीडेशन नंबर के। सिंपली यहीं पे यहाँ पर NH4 प्लस में भी ऐसा ही किया गया है, वन होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी जो प्लस वन है तो इसका इज इक्वल टू करेंगे अगर एडिशन में तो प्लस वन ही आएगा। ऐसे यहाँ पर K4FeCN6 में भी निकालेंगे, अगर हमको Fe की निकालनी आयरन की तो भी आप लेट करके ऐसे निकालिएगा, और फिर यहाँ पर NiCO4 का निकालेंगे तो भी ऐसे ही निकलेगा, एंड PtHn3 का होल 6 करके SO4 करके निकालेंगे। यहाँ पर आपको मान लीजिए Pt का निकालना है तो भी आप X करके लेट करके निकालेंगे तो प्लस 2 आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा ये जो H2S2O8 है, एक्सेप्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक बात और है कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके जो भी वैलेंसी होती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम होगी, उसके इक्वल होगी लेकिन उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर आपसे सल्फर का निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो मैंने रूल्स बताए हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आयंस तो है नहीं तो इक्वल में हम जीरो लेंगे, फिर यहाँ पर हम करेंगे हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में और फिर 1 लेंगे, इसको x लेट कर लेंगे, मान लेंगे सल्फर का हमने x मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर, मल्टीप्लाई में 2 करेंगे क्योंकि 2 सल्फर है, ऑक्सीजन को हम करेंगे और सिंपली जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा प्लस 7। तो आपको पता है कि सल्फ़र का जो वैलेंसी होती है सल्फ़र की वो प्लस 7 होती ही नहीं है, 6 होती है, क्योंकि सल्फ़र का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 6, या तो 6 हो सकता है या तो 2 होगा, तो यहाँ पर 7 तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको नोट्स में बताना चाहूँगी कि किसी भी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसके यौगिक की, उसके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे निकाला H2S2O8 में, तो इसका आप स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा O है, O की यहाँ पे सही ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर हम O की सही ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर हम जनरली इसको 1 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन की 1 होती है, इसको हम यहाँ पर 2 मान, मतलब मल्टीप्लाई में 2 करेंगे और X को यहाँ पे भी लेट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली O को हमने 8 यहाँ पर क्या करेंगे, O का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है O की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हम -1 लेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो हमारा 2 O है, ऑक्सीजन जो है हमारा, इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मतलब कि एक्सेप्शन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो है, जो 2 ऑक्सीजन है उनकी -1 हो जाएगी, और इसीलिए यहाँ पर -1 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 6, जो कि प्लस 6 क्या है, सल्फर के संयोजी कोष से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, और एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है, तो इस टाइप से आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों रेडॉक्स मतलब होता क्या है, जैसे आपने देखा रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर हम इनको शॉर्ट कर दें, रिडक्शन का अगर हम रेड ले लें, ऑक्सीडेशन को ओ एक्स ले लें, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, रेडॉक्स बनेगा और बनेगा रिएक्शन। तो एकदम सही आप सोच रहे हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में
जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपचायक पदार्थ कहते हैं, एवं जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल जो है मैं आपको लिख कर समझा देती हूँ। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्या है कि 2HgCl2 आप ले रहे हैं प्लस SnCl2, इन दोनों को अगर आप ले रहे हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर जो बनेगा रिएक्शन हमारा बनेगा Hg2Cl2 एंड प्लस में हमारा बनेगा SnCl4। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जैसे ये जो हमारा HgCl2 है ये जो है ये ऑक्सीकारक है, इसीलिए HgCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो है हमारा बन रहा है क्या, Hg2Cl2 बन रहा है, और SnCl2 जो है ये अपचायक है, और इस वजह से इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ये बन रहा है SnCl4। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने अभी बताया ना कि HgCl2 में यहाँ पे क्या है, 2HgCl2 है, और फिर प्लस में क्या है कि SnCl2 है। तो यहाँ पर जो है ये HgCl2 ऑक्सीकारक है और SnCl2 क्या है, अपचायक है, जिसकी वजह से ये क्या है, इनका HgCl2 का क्या होगा, यहाँ पर अपचयन होगा, और SnCl2 का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और HgCl2 जो है वो बन जाएगा Hg2Cl2 में, और यहाँ पर जो SnCl2 है वो SnCl4 में बन जाएगा, SnCl4 बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस टाइप से यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसको जो भी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो आपको मैंने बताए हैं, तो पहले आप क्या करिएगा, आप इन क्वेश्चन को उतार के कॉपी पे लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर जब आपको नहीं आएगा तब आप वीडियो को पॉज करके फिर आप उसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर, और साथ ही हमने रेडॉक्स रिएक्शन भी देखा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।